चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन है ना, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कार्डिनिटी में बहुत इसका यूज है। कार्डिनिटी में क्या है? ये पूरा का पूरा कैलकुलस में हर जगह इसका यूज होगा, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, इसका बेसिक देखते हैं, है ना। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आज जो हम मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बताएंगे ना, हम उतना ही चीज बताएंगे जिससे कार्डिनिटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। काफी डिटेल से इसी टॉपिक को फंक्शन में पढ़ना, वहां पर काफी डिटेल से हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, पहले पॉइंट इसमें ये होगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर टू, मॉड एक्स इक्वल टू प्लस का एक्स होगा, और ये कब होगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा होगा। और माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स का वैल्यू जीरो से कम होगा, है ना। अब देखिए, इसका ये मतलब होता है कि मॉड के जो अंदर में एडिटिव बाहर निकल जाएगा, जो है अंदर में वही बाहर आ जाएगा सेम टू सेम, अगर वो जीरो से जीरो हो या फिर जीरो से ज्यादा होता। लेकिन मॉड के अंदर वाला बाहर आएगा और उसके साथ माइनस के साइन एक और हम लोग लगा देंगे, और ऐसा कब होगा? जब वो जीरो से छोटा होगा। अब मॉड का काम क्या होता है? मॉड का काम होता है हर एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाना। मॉड का काम है नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना देना। अब देखिए, जैसे कि मॉड के अंदर में फोर लिखा हुआ, तो इसकी वैल्यू फोर होगा। ये पहले से ही पॉजिटिव है फोर, मॉड के अंदर में जो नंबर आया फोर, ये पॉजिटिव है, तो उसको एलईडी वो बाहर निकाल देगा। अब मॉड के अंदर अगर माइनस फोर लिखते हैं तब भी ये फोर हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये कैसे, मॉड के अंदर माइनस फोर है तो फोर कैसे हो गया? तो मॉड क्या किया, पहले चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कि मेरे अंदर वाला नेगेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वो क्या देखा कि मेरे अंदर में जो नंबर माइनस फोर बैठा हुआ है वो निगेटिव है, तो क्या करेगा, उसको बाहर तो निकालेगा, और बाहर निकाल करके उसके आगे एक माइनस के साइन लगा देगा, ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इसीलिए माइनस मॉड माइनस फोर को फोर कहा जाता है। इस तरह से माइनस मॉड माइनस फाइव है, इसको हम लोग फाइव कहेंगे। तो मॉड का क्या काम है? मॉड का काम है कि नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाना, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें ये सीखते हैं कि हाउ टू रिमूव द मॉड साइन। मॉड साइन को कैसे रिमूव किया जाता है? रिमूविंग मॉड साइन मॉड साइन कैसे रिमूव किया जाता है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस का मॉड एक्स माइनस टू, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मॉड साइन को रिमूव कैसे करते हैं, देखें। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन और प्लस का मॉड एक्स माइनस टू लिखा हुआ है। यहां से और यहां से टर्निंग पॉइंट हम लोग पता करेंगे। अब टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो x माइनस वन लिखा हुआ है ना, यहां से x की वैल्यू निकालिए। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या आएगा, वन। तो वन क्या है, टर्निंग पॉइंट है। x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या आएगा, टू आएगा। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब यहां पर x के जगह कौन सा वैल्यू बैठाने के बाद से ये जीरो देगा, यहां पर x की कौन सा वैल्यू बैठाने के बाद से जीरो देगा। तो यहां पर वन बैठाएंगे तो जीरो आ जाएगा, यहां पर टू बैठाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो वन टू क्या है, टर्निंग पॉइंट। तो निकालने का सिंपल यही तरीका है कि मॉड के अंदर वाला जो है x माइनस वन है उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगा। यहां पर x माइनस टू है इक्वल टू जीरो कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा, जो भी टर्निंग पॉइंट होगा। अब एक लाइन खींच लेना है ना, और ये लाइन पर वन और टू को ऐसे रख देना है ना, ये प्लॉट कर देना। अब देखेंगे कि लाइन का यहाँ पर तीन हिस्सा, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, तीन तीन हिस्सा लाइन का यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, तीन हिस्सा दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि तीन केसेस दिख रहा है, है ना, तीन केस बनेगा इसका, है ना। तो पहला केस क्या होगा, देखिए पहला केस, केस वन में इफ एक्स इज लेस देन वन। पहला केस यहां से लेकर यहां तक है, मतलब यहां पर एक्स होगा, और जब यहां पर एक्स होगा तो वो वन से छोटा होगा, इसलिए पहला केस में हम एक्स लेस देन वन लिखे हैं। देन एफ एक्स इक्वल टू, अब मॉड क्या करेगा, मॉड का काम क्या है कि पहले चेक करना, क्या चेक करना, कि मेरे अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो एलईडी बाहर निकाल देगा, अगर नेगेटिव है तो
बाहर निकालेगा जरूर, लेकिन उसके आगे एक माइनस की साइन लगा करके। तो चेक कैसे करेगा? चेक करेगा केस के अनुसार से। पहला केस मेरा क्या है, x की वैल्यू 1 से कम, तो x की वैल्यू 1 से कम कुछ भी ले लेना है, x का वैल्यू 1 कुछ भी ले लेना, 1 से कम 0.5, 0.9, 0.8 कुछ भी। अगर हम 0.5 लेते हैं तो 0.5 ले करके और यहां पर बैठाते हैं, यहां पर x माइनस 1 लिखा हुआ है, इस x के जगह पर 0.5 बैठाते हैं तो 0.5 माइनस 1 होगा, और 0.5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 होगा जो कि नेगेटिव है। तो व्हाट को पता चल गया कि जब x की वैल्यू 1 से कम होगा तो मेरे अंदर वाला नेगेटिव होगा। तो मेरे अंदर वाला नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा और साथ ही साथ दुनिया को बताएगा कि मेरे अंदर वाला नेगेटिव है। तो कैसे बताएगा, उसके आगे एक माइनस की साइन लगा करके। मतलब ये x माइनस 1 नेगेटिव है, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये x माइनस 1 नेगेटिव। अब ये मत समझिएगा कि ये नेगेटिव पूरा क्या है, पूरा नेगेटिव नहीं है, ये x माइनस 1 नेगेटिव है और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो स्वयं आया बात, कैसे चेक करना है, x की वैल्यू क्या लेना है, 1 से कम, 1 से कम 0.5 को क्या बैठाना है, यहां पर बैठाना है। बैठाने के बाद क्या कर लो आया, -0.5। मॉड को क्या पता चल गया कि मेरे अंदर वाला नेगेटिव है, तो क्या किया, उसको बाहर निकाला, मॉड से बाहर निकाला तो क्या बन गया, x माइनस 1। और साथ ही साथ बताएगा भी कि मेरे अंदर वाला नेगेटिव है, तो कैसे बताएगा, इसके आगे माइनस की साइन लगा करके, है ना। तो जब मॉड को पता चल जाता है कि मेरे अंदर वाला नेगेटिव है तो उसको बाहर निकाल करके उसके आगे एक और माइनस की साइन लगा देता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अब यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी वही है, 0.5 बैठाते हैं तो -1.5 नेगेटिव, मॉड बाहर इसको निकालेगा और इसके आगे एक माइनस की साइन लगा देगा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आया, -x + 1 - x + 2, यानी एफ एक्स इक्वल टू हो गया -2x + 3, ये हो गया, है ना। तो ये था पहला केस। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा केस में, केस टू। अब दूसरा केस यहां पर है, एक्स, अब की बार एक्स यहां पर होगा, और जब एक्स यहां पर होगा इसका मतलब ये 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होगा। यार 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आ जाए ना, इसका मतलब बीच वाला जो नंबर है ना, इधर वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा लेकिन इधर वाले नंबर से छोटा ही होगा। जैसे अगर 3 और 6 के बीच में अगर 4 आ जाए ना, तो 4 3 से बड़ा है लेकिन 6 से तो छोटा है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 के बीच में x है, इसका मतलब ये हुआ कि x 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है। इसी बात को लिखने का ये तरीका है, 1 <x> 2, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है। अब x का वैल्यू 1 से बड़ा 2 से छोटा ले लेना है, है ना। अब 1 से बड़ा 2 से छोटा 1.5 लेते हैं, 1.5 यहां बैठाते हैं, मॉड फिर चेक करेगा, किस पर चेक करेगा, 1 और 2 के बीच का किसी वैल्यू पर, तो 1 और 2 के बीच का वैल्यू 1.5 जैसे ही यहां रखेंगे मॉड को पता चल जाएगा आपके मेरे अंदर वाला कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, एडिटिव उसको बाहर निकाल देगा। तो यहां पर x माइनस 1 फिर प्लस, लेकिन जैसे ही यहां पर अगर 1.5 बैठाते हैं x के जगह पर, तो 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 मॉड के अंदर नेगेटिव आ गया। मॉड को पता चल गया कि यार जब x की वैल्यू 1.5 होगा तो मेरे अंदर वाला तो नेगेटिव होगा, तो क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा, है ना, घर से बाहर निकालेगा और साथ ही साथ इसके आगे एक माइनस की साइन भी लगा देगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो fx इक्वल आया x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो fx इक्वल टू हो गया अब 1। अब आता है केस 3, तीसरा वाला केस, तीसरा केस यानी कि x यहां पर होगा, और जब x यहां पर होगा तो जाहिर सी बात है वो 2 से बड़ा होगा, और जब 2 से बड़ा होगा तो फिर मॉड चेक करेगा क्या, जब x की वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो मेरे अंदर वाला पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा यानी कि 2.4 लेते हैं, तो 2.4 के लिखने के बाद यहां पर x के जगह पर 2.4 लिखने पर
2.4 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.4 माइनस 2 पॉजिटिव। और तो पता चल गया कि जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा तो मेरे अंदर के दोनों जो x माइनस 1 x माइनस 2 है वो दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा, तो उसको LED बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर x माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 2 होगा, तो जो fx आया अब ये दोनों को प्लस करेंगे ये 2x माइनस 3 होगा। अब इसको इकट्ठा करके लिखा जाएगा है ना, तो पहला वाला फंक्शन मेरा माइनस 2x प्लस 3 है, ये कब लेना है जब x की वैल्यू 1 से कम होगा, ये 1 कब लेना है जब 1 लेस देन x लेस देन 2 होगा, और ये कब लेना है जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा है ना। तो इस तरीके से हम मॉड साइन को रिकॉर्ड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर इक्वालिटी का साइन हम लोग काम कहां लगाएंगे है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर में इक्वल के साइन हम लोग कैसे लगाएंगे है ना, या कहीं भी जो केस यहां लिख रहा है x less than 1, 1 less than x less than 2, x greater than 2, कहीं तो इक्वल के साइन होगा ना, इक्वल के साइन लगाएंगे कैसे हम लोग वो देखते हैं। तो देखिए पहला वाला फंक्शन मेरा जो है fx equal to minus 2x minus 3 है। हम क्या करते हैं यहां जो पॉइंट है ना 1 उसको रखते हैं x के जगह पर, तो रखने के बाद से माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस यहाँ प्लस 3 है तो ये 1 हो जाएगा, मतलब f1 इक्वल टू 1, मतलब फंक्शन में x के जगह पर 1 बैठाने के बाद से जो वैल्यू आया 1 है, मतलब 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ रहा है, ये तो हो गया। अब fx इक्वल टू एक बार 1 ले लेते हैं क्योंकि दूसरा वाला फंक्शन fx इक्वल टू 1 है, फिर से 1 ही हम लोग बैठाते हैं है ना, 1 बैठाते हैं तब भी कितना आएगा 1 आएगा। आप सर कहेंगे कि आप कहेंगे कि सर आपको यहाँ भी 1 बैठा है, हाँ यहाँ 1 है तो 1 बैठा है, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 ही बैठाएंगे है ना, तो 1 पर भी यहाँ भी एक से जगह पर 1 बैठाने के बाद फंक्शन की वैल्यू 1 ही मिला और यहाँ से भी हमको 1 ही मिला, तो हम क्या करेंगे कि दोनों में कहीं भी दोनों जगह में से कहीं भी एक जगह इक्वल के साइन लगा देते हैं ना, तो हम यहां पर भी इक्वल के साइन लगा सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं, हम यहां पर इक्वल के साइन लगा देंगे। बस समझ में आया, एक बार और फिर इसको बता देते हैं, एक बार fx इक्वल टू -2x -3 यहां पर लिख लेना है रफ में है ना, और ये वाला 1 है ना फंक्शन में बैठाएंगे x के जगह पर, तो f1 बराबर 1 आया, मतलब 1 बैठाने के बाद से फंक्शन की वैल्यू 1 आया, f1 इक्वल टू 1 का मतलब x के जगह पर 1 बैठाने के बाद किस में फंक्शन में वैल्यू कितना आया है। दूसरा वाला फंक्शन fx equal to 1 है, उसमें भी हम 1 ही बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 1 बैठाएंगे तब भी क्या आएगा 1 है ना, तो यहाँ से भी फंक्शन की वैल्यू 1 पर 1 ही मिल रहा और यहाँ से भी 1 ही मिल रहा है, तो क्या करेंगे दोनों में से कहीं भी एक जगह हम लोग इक्वल के साइन लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगा दिए है ना, हम चाहे तो यहाँ पर भी लगा सकते थे लेकिन जब यहाँ लगाते तो फिर दोबारा यहाँ पर हम नहीं लगा सकते थे। अब फिर से 2 पर है तो 2 पर भी चेक करना, फिर से हम लेते हैं फंक्शन fx equal to 1, अब यहाँ 2 भी है ना तो x के जगह पर 2 बैठा दें, तो 2 बैठाने के बाद से कितना आएगा 1, अब इसके बाद से fx equal to 2x minus 3 भी तो लिखा हुआ है ना, तो 2x minus 3 लिख दें और यहाँ पर क्या है 2, तो फिर से यहाँ पर 2 बैठाते हैं तो कितना आ गया 2 into 2 minus 3 यानी कि 1, तो अब यहाँ पर आप एक चीज देखें कि 2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी 2 का फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब दोनों जगह से 1 आया, इसलिए कहीं भी एक जगह हम इक्वल के साइन लगा देंगे, यहाँ पर इक्वल के साइन लगा देंगे है ना, तो इस तरीके से हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं ठीक है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी ऐसे लगा सकते हैं। अब एक बात और, अगर ये भी चीज आपको समझ में नहीं आया ना तो आप कोई एकदम तरीका और बता रहे, आप इसको याद रखिएगा, इक्वल के साइन लगाने में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा है ना। यहाँ पर देखिए पहले वाले केस में 1 यहाँ भी है और यहाँ भी 1, 1 पहली पर आया है ना, तो पहली पर आया है तो उसके साथ इक्वल के साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन वही 1 अगर दोबारा दिख जाए तो उसके साथ इक्वल के साइन लगा देंगे, यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम दिखा है ना दिखाया तो छोड़ देंगे, उसके साथ इक्वल के साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन वही अगर दोबारा दिखेगा तो उसके साथ हम इक्वल के साइन लगा देंगे है ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ठीक है। अब देखिए ये तो था fx equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2, अगर किसी क्वेश्चन को कहा जाता ना कि ये क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ था और कहता है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कीजिए
x इक्वल टू 1 और 2 पर, है ना। fx इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 लिखा हुआ, और क्वेश्चन में करते हैं कि चेक द डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1 और 2। तो सबसे पहले हम ऐसे मॉड साइन को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद से x इक्वल टू 1 और 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अब आपको बनाना है चेक द कंटिन्यूटी ठीक है एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, है ना। ये आपका होमवर्क है, हां, x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, है ना, ये होमवर्क है ना। नहीं अगर बनता है तो हम सॉल्व कर देंगे, और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ एक होमवर्क और देते हैं, एक्सरसाइज 9.1 ठीक है, मॉड पे ही है, क्वेश्चन नंबर 39 ये आपको सॉल्व करना है, और इसके बाद से 40 सॉल्व करना है, मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 41 सॉल्व करना है, ये भी मॉड वाला क्वेश्चन है, 45 सॉल्व करना है, ये भी मॉड का क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी मॉड का क्वेश्चन है ना वो आपको सॉल्व कर लेना है, कि मॉड का कंसेप्ट हम बता दिए, पहले मॉड साइन को रिमूव, फिर उसके बाद से सॉल्व करेंगे। ये 28 भी सॉल्व करना है, ठीक है, और 24 भी सॉल्व करना है, तो फिलहाल इतना ही सॉल्व आपको करके लाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि मॉड फंक्शन क्या होता है, मॉड का काम क्या होता है, मॉडल फंक्शन का काम क्या है, नेगेटिव फेज को पॉजिटिव बनाना, है ना। तो मॉड एक्स माइनस, इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे रिमूविंग मॉड साइन को कैसे रिमूव किया जाता है। तो fx इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 एग्जांपल लिए, और इस तरह से हम इसको रिमूव किए, और रिमूव करने के बाद से लास्ट में मेरा फंक्शन fx इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 आया। ये कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से कम होगा। 1 कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम होगा। ये कब लेना है, जब x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगा। अब 1 और 2 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, आपका ये होमवर्क है, और साथ ही साथ आरडी शर्मा एक्सरसाइज 9.1 का ये सब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी मॉड से ही रिलेटेड है। नहीं बनता है तो आप, ठीक है, हमको बताइए, कॉल करके पूछिए सर इस क्वेश्चन में डाउट है, या फिर व्हाट्सएप कीजिए, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में फिर से वो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।